गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विनीता चौधरी, आई एम टीचर ऑफ मदरसा मौलाना आजाद अपर प्राइमरी स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस इन इंग्लिश सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ यूज ऑफ दोज। दोज का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई दूर की चीज के बारे में हम बता रहे हैं और वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कैप्स हैं, तो ये कैप्स ज़्यादा हैं। अगर एक कैप होती तो हम है ना उसके लिए डैट यूज़ लेते, लेकिन है ना एक से ज़्यादा है, मैनी चीज़ है, खूब सारी है, उसके लिए दोज का आता है। दोज के साथ हमेशा आर का यूज होता है। तो देखिए, टी एच ओ एस ई, दोज आर कैप्स। दोज आर कैप्स मतलब यहाँ पे थ्री कैप्स है, एक से ज़्यादा है तो दोज आ गया। टी एच ओ एस ई, दोज आर बैट्स। दोज आर बैट्स, H O S E, those are pencils. Those are pencils. Those are oranges. Those are oranges. Those are books. Those are stars. Those are apples. Those are balls. Those are locks. Those are trees. तो बच्चों आपको समझ में आया है दोस्त किसके लिए आता है? जो हमारे से दूर होती है। दूर के बारे में हम बता रहे हैं कि देखो वह क्या है, कैप्स है, वो एप्पल्स हैं, दूर की चीज को बताने के लिए, और वो एक से ज्यादा होनी चाहिए, उसके लिए दोज आता है। दोज आर कैप्स, दोज आर बैट्स, दोज आर पेंसिल्स, दोज आर ऑरेंजेस, दोज आर बुक्स, दोज आर स्टार्स, दोज आर एप्पल्स, दोज आर बॉल्स, दोज आर लॉक्स, दोज आर ट्रीज। ये आपको थ्री टाइम लिखना है और लर्न भी करना है। बाय बाय।